तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आयरलैंड टूर ऑफ बांग्लादेश 2023 का सेकेंड ओडीआई मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिससे आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी पूरी दी जाएगी, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 20 मार्च को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर के 1:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सिलहट बांग्लादेश में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का क्या परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो वहीं पहली टीम बांग्लादेश की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं 2 मैच हार के आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर आयरलैंड की बात करें तो 5 मैच में से 4 मैच हार के आ रही है और 1 मैच जीत के आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर बांग्लादेश 1 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहाँ पर बांग्लादेश 6 मैच जीत के आ रही है तो वहीं आयरलैंड 4 मैच जीत के आ रही है। अगर इस हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे भी बांग्लादेश 2 मैच से आगे चल रही है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 10 मैचेस में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे बांग्लादेश का 50% देखने को मिल रहा है, तो वहीं आयरलैंड का 40% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो बांग्लादेश का 231 है, तो वहीं आयरलैंड का 243 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो बांग्लादेश का 303 है, तो वहीं आयरलैंड का 359 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो बांग्लादेश का 179 है, तो वहीं आयरलैंड का 118 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे दोनों टीमों का लगभग इक्वली परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं फ्रेंड, चलते हैं वेदर के, आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी। तो 23.8 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगी। अगर वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 87% रहेंगे, वहीं 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है। तो इस पिच पे अभी तक टोटल 4 मैच खेले गए हैं, जो चारों मैच काफी जबरदस्त हुई है। अगर इस पिच की फर्स्ट रेटिंग एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पे 290 रन फर्स्ट इनिंग में लग सकती है। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा रन कम सकती है, मे भी 222 रन 220 रन तक मे भी लग सकती है। इस पिच की सरफेस की बात करें तो यहाँ पे जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि डिफेंड में काफ़ी अच्छे इस पिच पे स्कोर लग सकते हैं। वहीं अगर चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इस पिच पे। अब आगे बात करते हैं, दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम बांग्लादेश की बात करें, नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकता है। अगर वहीं पिछली मैच की बात करें तो पिछला मैच काफ़ी अच्छा खेल के आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर आयरलैंड की बात करें, नो डाउट ये भी टीम काफ़ी अच्छी है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बेस्ट है। यहाँ पे दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी जबरदस्त भी होने वाला है, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम बांग्लादेश के की प्लेयर की बात करें तो तमीम इकबाल, लिटन दास, आफिफ हुसैन, तकसीन अहमद। वहीं दूसरी टीम के की प्लेयर की बात करें तो मार्क अडेयर, जॉर्ज डॉकरेल, बेन वाइट, एंड्रयू बालब्रिन, ये रहे दोनों टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश हमारे हिसाब से स्ट्रांग टीम है और मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बना रही हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।